ये है इंदु ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल हर क्षण हर सच। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपने एक दिवसीय प्रवास पर बालोद जिले के गुंडरदेही विधानसभा के ग्राम भद्रा पहुंचे, जहां उन्होंने बिंदेश्वरी बघेल पार्क का फीता काट कर पार्क का लोकार्पण कर ग्रामीणों द्वारा निर्मित माता बिंदेश्वरी बघेल की प्रतिमा का अनावरण किया। इस दौरान उन्होंने क्षेत्रवासियों व ग्रामीणों की मांग पर पार्क को सुंदर बनाने 50 लाख और पार्क में नवीन भवन निर्माण के लिए 50 लाख की घोषणा की, साथ खरखरा नदी में मेन रोड टटेंगा तक 3.5 किलोमीटर सड़क निर्माण के लिए 65 लाख रुपए की राशि स्वीकृत करने व शासकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय टटेंगा के उन्नयन की घोषणा की। आपको बता दें कि स्वर्गीय बिंदेश्वरी बघेल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मां है, जिनका निधन 7 जुलाई 2019 को अस्पताल में इलाज के दौरान हो गया था, जिनके याद में ग्रामवासियों ने चंदा इकट्ठा कर प्रतिमा बना पार्क में स्थापित की। मूर्ति अनावरण में मुख्यमंत्री के साथ मंत्री अनिला भेड़िया, संसदीय सचिव कुंवर सिंह निषाद, विधायक संगीता सिंह सिन्हा व जिला पंचायत अध्यक्ष सोना देवी देशलहरा भी मौजूद रही। कई बार प्रयास करिए क्षेत्रवासियों का और खासकर ग्राम भरदा के आत्मीयजनों का माँ के प्रति जो प्रेम माता बिंदेश्वरी के नाम से, और उसी प्रेम को दर्शाता आज माननीय मुखिया ने इसका अनावरण भी किया है। ये माँ के प्रति उनकी एक आस्था और एक विश्वास है, और इसी विश्वास का प्रतिफल कि आज माता के प्रति उसकी श्रद्धांजलि, सच्ची श्रद्धांजलि ये रही कि उन्होंने क्षेत्रवासियों को, चाहे वो किसान हो, चाहे यहाँ के आसपास की जनता की मांग हो, तो प्रॉपर यहाँ भरदा के लिए उन्होंने इसके उन्नयन के लिए 1 करोड़ की स्वीकृति दी है, रोड के निर्माण की स्वीकृति दी है, और स्कूल टटेंगा भरदा के स्कूल के लिए उन्होंने स्वीकृति दी है। तो ये माता के प्रति उनकी एक आस्था है। हम बिल्कुल आत्मीयता के साथ माननीय मुखिया जी के माँ के प्रति इस भावना को देखेंगे। किसानों को जो उन्होंने एक प्रेम दिया और किसानों का उन्होंने जो आभार किया, और किसान का एक माता के प्रति जो प्रेम है, वही प्रेम को यहाँ पर हमें देखने को मिला। इसके लिए मैं पूरे क्षेत्र की जनता की तरफ से माननीय मुखिया जी का हृदय से आभार और धन्यवाद। न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें इंडियन न्यूज को और बेल आइकन को दबाएं।